सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, बड़ो को नमस्कार, छोटू ढेर सारा प्यार, हमारी दोस्ती रहेगी बरकरार। चले तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, आज पता नहीं मम्मी अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कब आएगी यार। चले कोई नहीं, अब मम्मी कब आए मम्मी के हिसाब से आए, आराम से एंजॉय करें, मम्मी की अपनी लाइफ है। तो हाँ, आपको बताना भूल गया कि मैं बोला था मम्मी को उधर से ब्रश लाएँ कि सोचूँ, मतलब दिक्कत इतनी है ना कि क्या बताऊँ, मैं अपना टॉवल उधर भूल गया। अब मैं नहाता हूँ तो मेरे को बोलते ना बॉडी सोक करने के लिए, मतलब बॉडी को पोछने के लिए, साफ़ करने के लिए, हाँ पानी थोड़ा बहुत ना पानी रहता ना बॉडी में, तो यस थोड़ा ड्राई होने के लिए टॉवल भी नहीं है मेरे पास, तो वो एक दिक्कत है। देन मेरा ब्रश उधर छूट गया है, मैं कल तो मैं उंगली से किया और आज भी उंगली से ही कर रहा हूँ, पता नहीं ब्रश आएगा तो एक और मेरे को करना है ब्रश यार, तो हाँ ब्रश भी नहीं है। और क्या, और एक मेरे दो कपड़े भी उधर ही है, तो वो सब मम्मी को ही लेके आना है। लेकिन मम्मी अभी तक आई नहीं है, पता नहीं मम्मी कब तक आएगी। तो हाँ दिक्कत है थोड़ा बॉडी केयर में, ना ढंग से ब्रश हो पा रहा है, ना ढंग से नहा पा रहा हूँ, तो ठंडी लगती है क्योंकि ड्राई नहीं करता पूरा, 5 से 10 मिनट ऐसे ही क्या खड़े रहना पड़ता है। कि बाकी कोई कपड़ा वपड़ा करूँगा तो कपड़ा ही गिला होता है, कलर वाले कपड़े करूँगा तो वो तो ऑलरेडी गंदा है, गंदे को बॉडी वॉच करूँगा तो वापस गंदा ही हो जाएगा बॉडी, तो इसके लिए थोड़ा वेट ही करना पड़ता है यार, बहुत दिक्कत है यार। तो ब्रश कर लिया मैंने, जाता हूँ फटाफट नहा लेता हूँ, और फूल भी ड्राई हो रहे हैं, एक काम करता हूँ आज फूल मैं ही चढ़ा देता हूँ, हाँ भगवान जी का जो मैं ही फूल चढ़ा देता हूँ। चलिए जाते फटाफट नहाते और फिर आते हैं। तो फाइनली दोस्तों नहा के निकल गया, हाँ, और पूजा भी कर लिया, इस टाइम तो अगरबत्ती खत्म हो गया तो ये धूप लगा दी है, हाँ कुछ ना कुछ तो भगवान को चढ़ाना चाहिए, तो यस इस टाइम तीन धूप नहीं एक ही धूप है, जिसमें मम्मी मेरा और आपका सबका एक ही साथ चढ़ा दिया, क्योंकि धूप तो बहुत कमी है धूप भी, तो क्या होता है अगर कल भी मम्मी नहीं, आज मम्मी नहीं आई तो कल मेरे को ही करना पड़ेगा, और कल अगर मेरे को करना है तो कल एक धूप है तो कल के लिए हो ही जाएगा, बाद में मम्मी आएगी तो मम्मी देख लेगी, तो यस कर दिया और प्रार्थना भी भगवान से अच्छे से हो गया, ध्यान करेंगे अब, ध्यान मतलब जल्दी करेंगे ऐसा नहीं। अभी नाश्ता देखते हैं, तो नाश्ते में मेरे को कुछ लाना पड़ेगा, चलिए लाना पड़ेगा, मतलब गुंजा जी बोलिए कि गुंजा जी ने कुछ रखी है घर पे, उन्हें बना के मतलब, तो वो खाएंगे। मस्त दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो यस ओवन में डाल दिया है राइस, किसी की से खाना लेके आ गया था, ओह बन गया आज तो खाना ही, हाँ बहुत लेट हो गया नाश्ता, चलिए फटाफट खाते, भूख लग रही यार, देखिए गर्म है, देखिए गर्म है क्या, गर्म है गर्म है। चलिए दोस्तों ये रहा पुलाव राइस, चलिए खाते हैं फटाफट, आज का नाश्ता यही है, और खाने में रहेगा सोयाबीन राइस, हाँ वो भी आपको दिखाऊंगा खाने के समय, उसको भी पैक कर लिया, चलिए फटाफट खाते हैं, सेवन चटनी अलग से तो खाते हैं और मिलते हैं खाने के बाद। सो मस्त नाश्ता कर लिया, अभी फिर आना कॉल किया था, कुछ काम है, हाँ तो चलिए देखते फिर आओ क्या काम है, नाश्ता तो हो गया आराम से, भी खाना पचा दे, थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग भी हो जाएगा, और काम भी क्या वो भी देख लेते, काम भी निपटा लेते, फिर चलते घर वापस। तो चलिए दोस्तों फाइनली फिर अभी आ गया, हमें फ़ोन रिपेयर करने गया था, वही फ़ोन लेने आया है, तो ठीक होएगा कि नहीं होएगा, मतलब ठीक तो हो गया ना दोनों भी, ओप्पो हो गया, सैमसंग खराब क्या हुआ था उसमें, अरे बैटरी डाउन है, खराब कुछ नहीं है, चार्जिंग लगा है और चार्जिंग होने से। तो आ गया फाइनली, चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है, बाप रे इतने रबर बैंड, इसको कब निकालेंगे। तो दोस्तों वाह क्या बादल लग रहा है, हाँ फाइनली फ़ोन वोन ले लिया, गार्ड वार्ड लगा लिया, नया फ़ोन भी ले लिया, तो चलिए एक फ़ोन मिलना बाकी था वो मिला नहीं अभी तक। तो दोस्तों यस फाइनली सारा काम वाम हो गया, तो हम चल पड़े घर की ओर, तो जूस वूस लेता था फिर अभी चला गया घर पे, मैं भी जा रहा हूँ अपने घर, लेट्स गो। फाइनली घर पे आ गए, अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं, ना खाना तो अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था और इतना वॉकिंग किया था, इतना खाना ऐसा डाइजेस्ट नहीं हुआ तो अभी तो नहीं, बाद में ठीक है। चलो दोस्तों खाना खा ही लेते हैं, आइए निकालते हैं राइस और खाते हैं, चलिए ये रहा हमारा राइस, मसाला राइस, चलिए खाते हैं और मिलते खाने के बाद। तो दोस्तों चलिए, मम्मी नहीं है तो मम्मी की चिड़िया को हमें ही खाना देना पड़ेगा, तो हाँ अब मेरे को ही निभाना पड़ेगा जब तक मम्मी है, तो आज हम चिड़िया को देंगे राइस, चावल तो रख दिया, हाथ धो देता हूँ, अब इस समय डालना है बालकनी में, चलिए लेट्स गो। बस खाना खा के हो गया, ठीक ठाक था खाना, इतना भी अच्छा नहीं बोलूँगा, बुरा भी नहीं बोलूँगा, ओके ओके था, क्योंकि मेरे को इलायची सभी तक खाने में पसंद नहीं है इसके लिए, तो चलिए अभी एडिटिंग करता हूँ और मिलते हैं शाम को। दोस्तों मम्मी भी अभी तक आई नहीं, शाम हो गया यार, पता नहीं कब आएगी, निकल के रहेगी आती होंगे, मिलते हैं आने के बाद मम्मी के। फाइनली मम्मी और मामू और रिया आ गई है, और रिया से गेट खुल रहा नहीं है, अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ सामान लेने, चलिए चलते हैं, फ्रूट्स लेना है क्या, तो चलो चलते हैं। दोस्तों मनीष भाई मिल गए और मैं और रिया भी चल पड़े, मैं रिया को अपने घर का एड्रेस बता रहा हूँ, इनकेस अगर रिया घूम गई तो रिया को एड्रेस वाला चाहिए, क्योंकि रिया को पापा का नंबर वाला, लेकिन अगर पापा ने फ़ोन नहीं उठाया तो
तो बेचारी क्या करेगी। तो इसके लिए मेरे सोसाइटी का नाम क्या है? भारत अपार्टमेंट। बिल्डिंग नंबर? बिल्डिंग नंबर 11। यस। रूम नंबर? 7। दैट्स नाइस। और जेंट्री कौन बोलेगा? जेंट्री। यस। चलो बता दिया, टेंशन नहीं है, फाइनली ले लिया है। कैसा है ग्रेप्स, कैसा था? चलो ले लिया, घर चलते अभी। फाइनली हम बिल्डिंग पहुंच गए। अब रिया हमें बताएगी कि हमारा रूम कौन सा है। तो रिया तो जा रही है, करे क्या लगता है? रिया जा रही है, क्या बात है। तुम खोलो गेट, क्या देखते हैं, क्या सही है? जी हाँ। ओ माय गॉड, ये लो आपका वड़ा पाव, ये लो आपका वड़ा पाव। दोस्तों फाइनली अभी खाना बन गया है और खाना खाते हैं। और खाने में ऐसे कि आप देख रहे हो, कटहल की भाजी, मामू का फेवरेट, मामू के डिमांड पे बना है, पूरी और खीर। चलिए खाना खाते और मिलते हैं खाने के बाद। और बाकी मामू, गर्मी है ना मुंबई में? बहुत गर्मी है। और खाना कैसा है मम्मी के हाथ का? बहुत अच्छा है। मैंने आपको वॉर्न किया था लेकिन खटल के लिए, अच्छा है। देखो आपका टेस्ट फिर गंदा है। अब मामू बहन जब प्रेम से बनाती है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। पक्का? क्या बात है। वैसे आपको कौन सा भाजी सबसे? हाँ ठीक है। रिया आप नहीं खाओगी क्या? आपका फोन देखो। आ जाओ खाना खाते, आ जाओ। दोस्तों फाइनली खाना खा के हो गया, मजा आ गया, खाना खा के पेट भर गया है। चार पूरी खाया मैं, हालांकि मैं पूरी इतना खाता नहीं लेकिन फिर भी चार खाया, चार। और हाँ, मामा को चाची के घर भी लेके चला गया। हाँ, और गार्डन वार्डन घूम लिए। और मामू को हमारा इलाका लोकेशन अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया था मामू घडेरा में भी नहीं आए थे। तो चलिए मामा से पूछे मामू कैसा लगा। रख सकते हो आप अपने सोफा पे भी, रख दो ना, टेंशन नहीं है। सोफा के इधर ऊपर रख सकते हो। अरे हाँ हाँ, बाकी मामू खाना कैसा लगा आपको? दिन कैसा लगा, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप मौसी की बात बोल रहे थे, आप बोल रहे थे मौसी के ज़्यादा खा लेते आप, मम्मी से ज़्यादा मौसी के हाथ का खाते आप। नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा था कटहल मत खाओ, पनीर खाओ, लेकिन नहीं, मेरी बात सुना ही नहीं किसी को। बहुत अच्छा था, बहुत दीदी बहुत मस्त बनाई। आशा करते आपको इधर नींद अच्छी आएगी मामू, और नहीं भी आएगी तो कुछ नहीं। मनीष इधर, अरे मनीष भाई ऐसे सोते, और मनीष भाई ऐसे टांग, मनीष भाई ऐसे टांग भी डाल के सोते हैं। हां रे मनीष, हां पंखा ऑन करो। मच्छर है क्या? मच्छर तो काटेंगे ना, मच्छर कहां छोड़ेंगे। चलिए मामू सुन आ रहे, मामू बाय कर दो, गुड नाइट, गुड नाइट। माँ दो मिनट मामू गुड नाइट। चलिए दोस्तों, नेहा जी, मम्मी, रिया, नेहा जी, चलिए दोस्तों बाय।